बिल्डिंग को अब शुरू करा। ताजमहल जो बनाया गया है ये शाहजहां ने अपनी थर्ड वाइफ मुमताज की यादगार में बनाया था, मुमताज रहने वाली ईरान की, जिससे शाहजहां ने लव मैरिज की थी। तीन वाइफ, दो इससे पहले दो वाइफ थी, उनका नाम फतेहपुरी बेगम और दूसरी वाइफ का नेम खंडारी बेगम था। पहली वाइफ और दूसरी वाइफ से अरेंज मैरिज की, तीसरी वाइफ से लव मैरिज की। तो पहली दूसरी वाइफ के कोई बच्चे नहीं थे। थर्ड वाइफ के 14 बच्चे थे, जिसमें कि 8 बच्चों की तो जन्म के समय डेथ हो गई, 6 बच्चे लाइफ थे। 4 बेटे 2 बेटियां थीं, दारा शिकोह, सुजात, मुराद, औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां का छोटा बेटा था। 2 बेटियां थीं, जहान आरा और रोशन आरा। ताजमहल ने जब ये बिल्डिंग शाहजहां ने जब ये बिल्डिंग बनाई मुमताज की याद में, तो ताजमहल की व्हाइट बिल्डिंग को बनाने में 17 साल लगे और 5 साल के अंदर में यहाँ मस्जिद और गेस्ट हाउस बना के कम्प्लीट किया गया। तो कंटिन्यू जब 22 इयर्स 20,000 वर्कर्स ने ताजमहल की बिल्डिंग को बनाने में लगाए, तो 18,000 लेबर शाहजहां ने ईरान से बुलवाई, 2,000 लेबर ताजमहल को बनाने के लिए इंडिया से आई। ये जो देखे मस्जिद है, मस्जिद को बनाया गया वेस्ट साइड में और इसी तरीके की दूसरी बिल्डिंग ईस्ट साइड में बनाई गई है, उसको गेस्ट हाउस कहते हैं जमान खाना। दोनों बिल्डिंग्स को देखने पर एक जैसी बनाई गई हैं, मुस्लिम हो चाहे हिंदू इसको देखने में बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मस्जिद कौन सी है, गेस्ट हाउस कौन सा है। इजी सॉल्यूशन ये होता है कि मस्जिद को हमेशा वेस्ट साइड में बनाया जाता है एशियाई कंट्री के अंदर में। वेस्ट में इसलिए बनाया जाता है कि जो डायरेक्शन है मक्का मदीना का सऊदी अरब का वो वेस्ट में है, इसलिए मस्जिद वेस्ट में बनाई जाती है। ताजमहल की बिल्डिंग को बराबर देखने के लिए उधर में एक प्रैक्टिकली बिल्डिंग बनाई गई गेस्ट हाउस की, ताकि ताजमहल की व्हाइट बिल्डिंग को आप लोग लुक लाइट फोर साइड से सेम देख सकें। ये जो चार मीनारें दी गई हैं ताजमहल की, चारों मीनारें देखने में तो सीधी नजर आती हैं, बट दीज आर नॉट लुक लाइट स्ट्रेट फोर मीनारेट्स, 2-2 डिग्री आउटसाइड में टिल्टेड हैं। अल्लाह ना करे कभी अर्थक्वेक, आंधी, भूकंप या तूफान आ जाए, जिसकी वजह से ये चारों मीनारें ताजमहल के अंदर में न गिरें, आउटसाइड फॉल डाउन हो जाएं। ताजमहल बिल्डिंग को इधर में व्हाइट मार्बल देखिए, तो व्हाइट मार्बल जो है इंडिया का है, जो राजस्थान मकराना से आया था, आगरा से 450 किलोमीटर है, और रेड स्टोन जो आया वो यहाँ फतेहपुर सीकरी से आया, जो आगरा से 45 किलोमीटर है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट दी गई है 245 फीट और चारों मीनारों की हाइट दी गई है 175 फीट। मेन डोम को देखिए, तो मेन डोम के ठीक नीचे में शाहजहां और मुमताज की ओरिजिनल मकबरा दिया गया है। ओरिजिनल मकबरा एक साल में 3 बार दिखाया जाता है, और जो डुप्लीकेट मकबरा है वो आप लोग एग्जैक्टली एवरी डे देख सकते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन डोम के ऊपर में जो पूरा कलश लग रहा है, उस कलश के ऊपर में हाफ मून दिया गया है, जो मुस्लिम लोगों का सिंबल होता है, और डोम के हाफ मून के बिल्कुल मिडिल में अल्लाह लिख रहा है, और इसके बैक साइड से देखें तो मोहम्मद लिखा गया है। इस डोम के मिडिल में देखिए बहुत सारे डोम्स के ऊपर में हुक लगाए गए हैं। 1971 के अंदर में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो उस वॉर टाइमिंग में इस बिल्डिंग को काले कपड़े से इंडियन गवर्नमेंट ने कवर्ड कर दिया था, ताकि ये बिल्डिंग्स नाइट के अंदर में ग्लो होती हुई दिखाई ना दे। क्योंकि इस बिल्डिंग की तीसरी खूबसूरती ये है कि ताजमहल में कोई आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी बल्ब आज भी नहीं है, ये बिल्डिंग आज भी नेचुरल ग्लो करती है, जैसे कि डायमंड की तरह से होता है। और बाकी जो सारे जैम्स स्टोन लगाए गए हैं ये मून लाइट में ग्लो करते हैं, जिस दिन चौदहवीं का चांद होता है। ये फ्रंट जो आयतें लिखी है, बाकी जो मेन गेट के ऊपर में कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, तो सबसे पहले गेट के अंदर से जो शाही दरवाजा है वहाँ से आते हैं, वहाँ सूरत फज्र, और सूरत फज्र के बाद सूरत शम्स, वो बाकी वाइट ताजमहल की बिल्डिंग पे टोटल सूरत यासीन लिखी गई है। कुरान शरीफ का मेन चैप्टर है, हार्ट ऑफ द कुरान, जो ताजमहल के अंदर में चारों तरफ लिखा गया है। ये राइटिंग नहीं है, पेंट नहीं है, मार्बल के अंदर स्टोन को इनलेट किया गया है। तो ये जितनी भी आर्ट यूज़ की गई है ये सब पर्शियन आर्ट है। पर्शियन आर्ट इसलिए यूज़ की गई है क्योंकि 18,000 जो लेबर ताजमहल को बनाने आई थी वो पर्शियन थी, तो पर्शियन लोगों ने इस सारी क्राफ्ट को, इस सारी आर्ट को अपने हाथों से बना के तैयार किया है।